प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पार्टी के प्रत्याशी जिले में चुनावी चौसर बैठाने में लग गए हैं। इसी क्रम में हरदा विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने प्रत्याशी कमल पटेल के लिए जोगा, सलिया, खेड़ी, उडाल, मेदा ग्रामों का दौरा किया। वहीं दिनेश शर्मा ने ग्रामीणों को भाजपा की उपलब्धियां गिनवाई। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके साथ ही राज्यसभा सांसद ने कार्यकर्ताओं से हरदा विधानसभा चुनाव में भाजपा को भारी बहुमत से विजयी बनाने की बात कही। योजना का लाभ है, गैस का कनेक्शन है, आवास है, यानी मध्य प्रदेश का समग्र विकास की जो गाथा है वो पिछले शिवराज जी की सरकार ने और 9 साल की मोदी सरकार ने इस मध्य प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन किया है। आज कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। सनातन संस्कृति के प्रति जो कांग्रेस के सहयोगी दलों की भाषा है, उदय निधि स्टैलिन जो कहते हैं कांग्रेस के मित्र कि हम सनातन को समाप्त कर देंगे, ये डेंगू है, मलेरिया है, और दिग्विजय सिंह ऐसे लोगों का बयान कि गऊ मांस खाना कोई पाप नहीं है, इसे खाया जा सकता है, गाय अपने मेले में बैठती, इस प्रकार का इंटरव्यू देना और कांग्रेस के द्वारा राम जी के अस्तित्व को नकारना, कोर्ट में लिखकर एफिडेविट देना कि राम